देहरादून के एक रेस्टोरेंट में महिला वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था। एक महिला को जैसे इसका पता चला उसके बाद रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा हुआ। बाद में पुलिस भी वहां पहुंची। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, यू कांट से दैट। रेस्टोरेंट के अंदर शर्मनाक कांड। महिला वॉशरूम में हिडन कैमरा। सावधान, कहीं आप भी तो कैमरे की निगरानी में नहीं है, कहीं किसी की हरकत आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं करवा रही। देहरादून से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फीमेल वॉशरूम में गेट से पता होता है, बस टाइम देखा हमने तो। बोलिए, बड़े बड़ा कैमरा लगा हुआ है, इसकी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ना एक बार। हाँ, बस 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लो, कौन गया कौन आया पता लग जाएगा बड़े कैमरे की। जहां आनंदम रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर बने महिला वॉशरूम में कैमरे को रिकॉर्डिंग पर रखा गया था। जब उनकी नज़र उस पर पड़ी तो वो यहाँ पर फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, यू कांट से दैट। इसके बाद वॉशरूम से लौटकर महिला ने अपने परिजनों को ये बात बताई तो वो भी दंग रह गए। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में आए सभी लोगों को ये बात पता चल गई और उसके बाद तो जमकर हंगामा हुआ। ये देखो ना, टाइल टूटी हुई है, वहीं पे कैमरा था, देखो आप एक बार। और इसकी फोटो दिखाओ बाबूजी, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ आप, ऐसे मत बोलो कि नहीं था। नहीं, हो गया। आरोप है कि मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पर लगाया गया था। रेस्टोरेंट मालिक को जब कैमरे की वीडियो दिखाने को कहा गया तो उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। चक्राता रोड पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। बिल्कुल। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा वहां पर एक कटिंग करके अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही सिर्फ उसने करी थी और कल जब देर रात्रि यह हंगामा हुआ तो उसने द्वारा वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया। क्योंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम उसको FSL भेज रहे हैं। साथ ही साथ उसने पूरी स्वीकारोक्ति भी करी है कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, उसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। और इसके अलावा FSL टीम भी मौके पर गई, उसके द्वारा पूरे सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से वो चढ़ के अपने मोबाइल को प्लेस करता था और क्या, तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और सफाई कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देश के अलग अलग इलाकों में मॉनसून जमकर बरस रहा है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी हैं। नदियां उफान मार रही हैं, ऐसे में लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। जयपुर से बेहद ही दहशत में डालने वाला वीडियो सामने आया है, जहाँ एक लड़का लहरों की चपेट में आकर बहने लगा। लहरों का कोहरा, मुश्किल में इंसान की जान। देश के कई इलाके बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। लहरों का प्रचंड वेग रास्ता रोक रहा है। दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीर आई है राजस्थान की जयपुर ग्रामीण से, जहां चाकूस इलाके में नदी का उफान कहर बरपा रहा है। छांदेल ढूंढ नदी की पुलिया के ऊपर से गुजरने की हिमाकत एक बाइक सवार पर भारी पड़ गई। वो पानी के बहाव में बहता चला गया। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन लहरें किसी को बख्शने के मूड में नहीं थी। पानी बाइक के साथ सभी को बहाता जा रहा था। मदद के लिए आए लोग बाइक और लड़के को खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये काम मुश्किल होता जा रहा था। एक लड़का जो बचाने आया था वो पानी के साथ बहने लगा। उसने पुलिया के किनारे लगे बैरियर को थाम लिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने भी सरेंडर कर दिया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वो लड़का जलधारा के साथ बह जाता। लेकिन वहीं पर मौजूद चार लोगों ने बेहद ही सूझबूझ दिखाई, उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगे। किसी तरह लड़के को लहरों से बचाया गया, उसकी भी जान बचाई गई।
इस तरह लोगों ने लड़के और बाइक को वहां से निकाल लिया। वहीं पाली में पिछले दो दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसमें नदी नाले उफान मार रहे हैं। कुड़की महादेव मंदिर रोड के पास बह रही नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी पर बनी पुलिया गायब है, लेकिन ये बाइक सवार पुलिया को पार करने की जिद पर बैठा और यही इसके लिए मुश्किल बन गई। नदी के दूसरे छोर पर कई लोग खड़े हैं, किसी ने वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन ये लड़का गलती कर बैठा। वो बाइक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि नदी को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसकी बाइक बीच में ही रुक गई। वो उसे संभालने लगा, लेकिन लहरों के आगे उसका भी जोर नहीं चला। इस तरह बाइक पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, बाइक गिर गई और तेज बहाव में बह गई और बाद में बाइक ने जल समाधि ले ली। बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।